हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फजांस रूल के बारे में। फजांस रूल क्यों आया? तो ऐसा देखा गया कि जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं या फिर जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल हैं, 100% प्योरली कोवेलेंट कैरेक्टर और 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता। अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलो देखते हैं कि किस टाइप का कैरेक्टर उसमें आ जाता है जो आयनिक बॉन्ड भी हमें कोवेलेंट के तरह दिखने लगता है। तो इसमें सारी चीजें क्लियर होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो नीट और JEE एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन तो कन्फर्म है, JEE नीट में यहां से क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो बहुत सिंपल मेथड से हम इसको समझेंगे कि किस टाइप से हम समझे फजान रूल को। तो चलो देखो कि अगर NaCl बना था, ये प्लस और ये माइनस है, राइट। तो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर एक जो केटायन है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, केटायन है, और यहां पर क्या है, एक एनायन है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का केटायन, तो मैंने ये प्लस लिख देता हूं और ये डी माइनस लिख देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों को इसमें क्या बॉन्ड बना था, तो इसमें बॉन्ड क्या बना था, आयनिक बॉन्ड बना था। बट एक्चुअल में ऐसा देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज का है, किसका, केटायन का, ये क्या करते हैं, इस एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो इसका शेप कुछ ऐसे ना होकर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ ऐसा हो जाता है इस टाइप। इसका मतलब है ये जो केटायन है इस एनायन को, एनायन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साइड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें कैसा दिख रहा है, यहां पर हमें ये दिख रहा है इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा हमें दिख रहा है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर हमें दिखता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो डिपेंड इसके ऊपर करेगा। जैसे आपको बहुत सारे आयनिक कैरेक्टर के आयनिक मॉलिक्यूल दिया रहा है, बहुत सारे आयनिक मॉलिक्यूल, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कोवेलेंट, तो कैसे बताओगे। देखो हमें इसको समझने के लिए 4 पॉइंट बस हमें समझना है जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो फर्स्ट क्या देखना होगा कि साइज ऑफ केटायन, फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट है साइज ऑफ केटायन, कि केटायन का साइज क्या है, क्योंकि ये अपने साइड खींच रहा है तो जैसे खींचेगा तो पोलर हो जाएगा। मतलब ये केटायन क्या कर रहा है, इस एनायन को पोलराइज कर रहा है। तो केटायन का पोलराइजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके साइज के ऊपर। जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो केटायन की कौन सा पावर है, पोलराइजिंग पावर। तो केटायन का पोलराइजिंग पावर जो सबसे स्मॉल होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देखो जिसका साइज सबसे छोटा उसका पोलराइजिंग पावर वो इजीली क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। तो देखो ये बन गया साइज ऑफ केटायन। तो देखो अगर ऐसे कंपाउंड है जैसे एल आई यहाँ पर सी एल है, या फिर एन ए सी एल है, या फिर के सी एल है, ऐसे कुछ कंपाउंड आपको दिया गया, तो आपको इससे पूछेंगे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड में, देन NaCl में, देन KCl में, क्योंकि इसका साइज सबसे स्मॉल है इन सब का, तो सेम है, राइट तो क्या देखा हमने, जो साइज ऑफ केटायन जितना स्मॉल होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना अधिक होगा, ठीक है, यानी उतना ही उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइज कर लेगा। किसका पोलराइजिंग पावर है, ये है ऑफ केटायन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का, ये फर्स्ट है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकेंड देखेंगे हम, सेकेंड क्या है, सेकेंड है लार्जर साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ
एन आयन। ओके, तो उसमें जस्ट ऑपोजिट, उसमें स्मॉलर साइज था, इसमें लार्जर साइज, तो जिसका साइज सबसे लार्जर होगा वो बहुत इजीली क्या करेगा, वो क्या है इसके और जो दूसरा कैटायन है उसके और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगा आउटर साइड इलेक्ट्रॉन की, तो इजीली क्या हो जाता है वो जो आउटर मोस्ट सेल शेप में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके और कैटायन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो ये साइज क्या लार्जर साइज बनाए, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, ये आयोडीन माइनस, देन ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, देन किसका जाएगा फ्लोरीन, तो जिसका साइज बहुत ज्यादा होगा एनायन का, ओके, वो इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ओके, तो ये एनायन को, एनायन को जो अट्रैक्शन होता है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टाइम पर अट्रैक्शन हो तो क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब एनायन के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो केटायन की ओर अट्रैक्ट होता है। तो जैसे मैं यहां पर अगर आपको एग्जांपल ऐसे लिखूं, NaCl, NaBr एंड NaI। अब इसमें से किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो आप देखो ये तो सोडियम सब में सेम है, तो आपको देखना है इसमें जो एनायन है उसका साइज किसका ज्यादा है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया सीक्वेंस। तो ऐसे बता सकते हो किसमें ज्यादा पोलराइजेशन कैरेक्टर है। अब देखो जिसका पोलराइज जो इजिली क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे ही जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, जिसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, जो इजीली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जिसका इजीली क्या नहीं हो पा रहा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ओके, थर्ड देखेंगे ग्रेटर चार्ज ऑफ एनायन, मतलब इसमें चार्ज बहुत ज्यादा होगा, तो ये है ग्रेटर चार्ज ऑफ केटायन। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो वो डिपेंड करता है कि उस केटायन का चार्ज कितना है। जैसे यहां पर अगर सोडियम प्लस है, Mg प्लस 2 है, Al प्लस 3 है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स एल्युमिनियम प्लस 3 सबसे ज्यादा, मैग्नीज प्लस 2 उससे कम, और सबसे कम क्या सोडियम। तो डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है उसके ऊपर। दैट मीन्स कि अगर कुछ कंपाउंड बनाऊं मैं, जैसे AlCl3 MgCl2 और NaCl, तो इसमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, ये AlCl3 के पास है, उसके बाद MgCl2 देन NaCl के पास है। ओके, अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसका ज्यादा है, तो ये बन गया इसका सीक्वेंस। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से सीक्वेंस में आपसे पूछे जाए कि बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप बताओगे सर ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है ग्रेटर चार्ज ऑफ एनायन। एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, दैट मीन जैसे एन माइनस थ्री, ओ माइनस टू एंड एफ माइनस वन। देखो ग्रेटर चार्ज, जिसमें ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही क्या होगा, पोलर बन जाएगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा चार्ज नाइट्रोजन की है, तो ये जो कैरेक्टर है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, इसका ज्यादा होगा, इसका उसके बाद एक कम होगा। मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन का वो उतना ही पोलर बनेगा। नेक्स्ट है जो है एक्सेप्शनल टाइप का पढ़ना पड़ेगा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। सूडो क्या होता है, मतलब नॉर्मली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस में NH2 भी फिल होगा और यहां पर जो NP वो भी क्या होगा, 6 फिल होगा। तो ये होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो का मतलब क्या होगा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें NH2 भी फिल है, NH2 है, NP6 है और यहां पर जो D है वो भी क्या है, D में भी क्या है, कंप्लीटली फिल है। ओके तो इसमें N भी फिल है, S भी फिल है, N भी एंड D भी फिल है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो जैसे हम देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें से आप चाहो तो सिर्फ याद रख लो कौन कौन ऐसा है। एक है कॉपर, देखो कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस 29 में से एक चला गया 28, तो 28 को अगर आप फिल करोगे ना तो ऐसा आ जाएगा। पहले 9 को फिल करो, तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा 3d10, 4s1। ये होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये प्लस वन लास्ट वाले से एक चला जाएगा तो ये प्लस वन वाला कंडीशन आ जाएगा इसका। ओके तो देखो लास्ट वाला देखो, ये देखो यही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का आप बस यहाँ पर 6 एलिमेंट का नेम याद रखो। एक होता है कॉपर, एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड, सब प्लस वन प्लस वन। ये तीन याद रखो, कॉपर सिल्वर गोल्ड और तीन रखो यार, बस 6 याद रखो जाएगा। एक है जिंक जिसमें 2 प्लस होता है, एक होता है कैडमियम जिसमें भी 2 प्लस, और एक होता है मरकरी जिसमें भी क्या होता है 2 प्लस। बस 6 एलिमेंट याद रखो हो जाएगा। ओके ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको दिखेगा इसके साथ कंपाउंड, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, नहीं ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर ये ऐसा दिया है NaCl और यहाँ पर है CuCl, ओके तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल होगा ज्यादा, ये क्या बनेगा ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका होगा। सूडो है तो सूडो को आपको लगा देना है, तो सूडो कॉन्फ़िगरेशन है 6 एलिमेंट आपको याद रखना है। ओके कौन कौन सा है, इतना जो है यहाँ पर 6, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम एंड मरकरी, 6 याद रखना है। तो ये है, तो इसी को आपको लेना है कि भैया यही होगा। तो जो कंपाउंड कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में सब क्लियर होगा, तो क्या है, साइज स्मॉल होना चाहिए केटायन का, लार्ज साइज होना चाहिए एनायन का, ग्रेटर चार्ज केटायन का और ग्रेटर चार्ज एनायन का। तो यही देखकर आपको बताना होगा कि किसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, और सूडो है तो सूडो वाला हो जाएगा, राइट। तो कोवलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो कम होता है। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके अब देखो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते ही इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम इसका, ये तो हो गया वाटर में सॉल्युबल कम होगा। और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर हाई है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके तो बस आपको इतना सा याद रखना है, इसमें क्या होगा
जब किसी भी कंपाउंड में आप देख के बता सकते हो कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपने अगर फाइंड कर लिया तो ये भी आपको पता चलेगा कि उसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके,